यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं तीर्थनगरी ऋषिकेश में भी बोलबम के उद्घोष सुनाई दिए हैं और छोटे से लेकर बड़े महिला और पुरुष और बच्चों की जुबान पर बोलबम के। गंगा घाट से मां गंगा जल लेकर नीलकंठ धाम में बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और तीर्थनगरी में हमारे संवाददाता ने बात की बाबा के भक्तों से। तीर्थनगरी ऋषिकेश में जिस तरह से भोलेनाथ जी के जयकारे लग रहे हैं, वहीं कांवड़िए काफी जोश में दिख रहे हैं। बात करें नीलकंठ धाम की, 8 लाख से ऊपर कांवड़िया जो है अभी जल अभिषेक कर चुका है। साथ ही मैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में खड़ा हूँ, यहाँ पर कुछ कांवड़िए मेरे साथ हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरह सा जोश है और जल लेकर वो जब नीलकंठ जाएंगे तो किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे और कितना उनको उत्साहित हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से क्या जल चढ़ा दिया है? जल चढ़ाने चढ़ाने जाएंगे अभी। कितना उत्साह है, कितना बहुत खुशी है हमारे को, बहुत ज़्यादा खुशी है। हर साल आता हूँ मैं सावन में यहाँ पे जल चढ़ाने, आगे भी जाने की सोच रहा हूँ गोमु। तो क्या परिवार के साथ आए हो, अकेले आए हो? दोस्तों के साथ आए हूँ, अभी अगले साल परिवार को लेके आएंगे। तो क्या सोचा है, क्या भोलेनाथ जी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या सोचा है? खुद ही दे देंगे भोलेनाथ, जो देना होगा उनकी इच्छा होगी वो दे देंगे। बाकी पूजा अर्चना किस तरह से करते हैं आप? यहाँ से जल ले जाएंगे, उठा के नहा धो के फिर बीच में कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कोई गलत काम नहीं कर सकते, सीधा जल चढ़ाएंगे। उधर चढ़ाने के बाद फिर पूजा हो जाएगी। मेरा नाम बलवीर है, बालम द्वारका से आया हुआ और मैं अपने कई भोलों के साथ में आया हुआ हूँ और बहुत ही हमारे भोलों में उत्साह होता है, बहुत ही लगन होती है और बहुत ही शम्यमान होता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हम सब भोलों का कि बहुत ही योग्यता बना के और बहुत ही सच्चाई की तरीके से, बहुत ही सच्चाई की तरीके से हमारे सारे भोला इसको निभाते हैं और कांवड़ को बहुत पवित्र तरीके से मानते हैं और बाबा को बहुत दिल से, श्रद्धा से, भाव से सभी भोले मानते हैं और सभी योग्यता बना के करते हैं। अनुराग। अनुराग कहाँ से? दिल्ली पालम। कितना उत्साह होता है जब आप नीलकंठ की यात्रा के लिए पहले जब तैयारियां करते हैं अपने घर से? तो ये उत्साह तो बहुत होता है, लेकिन मैं पहली बार ही आया हूँ इस बार, ये मेरा पहला साल है। तो कैसा आप? अभी तक तो काफ़ी आनंद आया है और भगवान करेंगे आगे भी आनंद ही आएगा। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत आनंद आता है, बहुत उत्साही होते हैं कांवड़िए और साथ ही साथ जिस तरह से कांवड़ियों के अंदर जोश देखने को मिलता है वो एक देखने वाली एक बात है। कैमरामैन अनिल पवार के साथ खबरें अभी तक, विपिन, ऋषिकेश।